आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और आप दो ही लोग, थर्ड तीन लोग, चार लोग, ठीक है, बाकी और थर्ड ईयर भी थे ना, ठीक है, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मुझे प्रोसीजर हमारा है यूरिन कलेक्शन का, ठीक है। तो पेशेंट को यूरिन का जो कलेक्शन जो करती है, तो टू टाइप्स किया जाता है, या तो एक तो पेशेंट क्या रहता है जिसको कोई थिएटर नहीं डला हुआ, ठीक है, या तो फिर दूसरा कंडीशन क्या होती है जिसको कोई थिएटर डला हुआ होता है, ठीक है ना। तो हम उसमें क्या करेंगे, सैंपल कलेक्शन करेंगे, समझ गए। तो सैंपल जो कलेक्शन है सैंपल कलेक्शन करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे पास रजिस्टर जो फाइल है, फाइल में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का नोट, ठीक है, अगर उसने एडवाइस किया है, क्या किया है, यूरिन का सैंपल, यूरिन आरएम और यूरिन सीएस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें इसमें देखना, हमारे पास एक फॉर्म रहता है जो है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का होता है, पैथोलॉजी में जो जाता है ये सैंपल, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें इसमें सबसे पहले आप उनको पेशेंट का यू एच आई डी नंबर, आईएफटी नंबर वही है, ठीक है, डॉक्टर नेम, डायग्नोसिस, ठीक है, और वार्ड एक, और डायग्नोसिस के अलावा इसमें स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ है जो सैंपल को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसका नाम और जो टाइम हम सैंपल को कलेक्शन कर रहे हैं उसका हमें डेट और टाइम और सिग्नेचर, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सैंपल हम कब लेते हैं, पढ़ने में, ठीक है ना, समझिए। ये रहे, और ये फॉर्म पे हमें टिक करना है, यूरिन आरएम है या यूरिन सीएस है, ठीक है। यूरिन आरएम का फुल फॉर्म क्या होता है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोप, ठीक है। यूरिन सीएस होता है कल्चर सेंसिटिविटी, ठीक है। अगर हम कल्चर सेंसिटिविटी के अगर हम टेस्ट करा रहे हैं तो हमें पेशेंट को ये भी देखना है, अगर उसका एंटीबायोटिक्स कोई भी अगर चल रहा है तो हमें एंटीबायोटिक्स भी इसमें मेंशन करना है। यहाँ पर हम यूरिन आरएम का सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, समझ गया। तो हमें इसको पूरा फिल करेंगे, फिर इसके बाद हमारे पास आर्टिकल्स होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सर्जिकल ग्लव होना चाहिए, जो कि हमारे पास ग्लव है, ठीक है। ग्लव के साथ में हमारे पास एक दूसरा क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर, ठीक है, ये एक स्टाइल यूरिन कंटेनर।